हेलो फ्रेंड्स, कोटा कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध बाफला बाटी, जो कि सबको बहुत ही पसंद आती है। और ये मैं बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ और बहुत ही सॉफ्ट बाफले बनके तैयार हुए थे, तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। और मैंने किस तरह से ये बाफले बनाए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक परात में मल्टीग्रेन आटा और आधा कटोरी मिला दी है मैंने इसमें सूजी। और मैंने मलाई से घी बनाया है, तो उस घी में से जो मावा निकलता है और जो दूध निकलता है, जो हम मलाई फेंटते हैं, तो उसी मावे और दूध से मैं ये बाफले बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इस बाफले में कोई मोइन नहीं डालना घी का ना तेल का, बस इसी से ये बाफले बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे। तो आटे में मिलाने के लिए मैंने यहाँ पर खड़ा धनिया लिया है एक चम्मच, एक चम्मच लिए सौंफ, और एक चम्मच डालूंगी मैं क्रश करके अजवाइन, जिससे क्या होगा कि बाटी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और आधा चम्मच डालूंगी मैं सोडा, जो घर में खाने वाला सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, वही मैं डालूंगी। और आधा चम्मच से थोड़ी सी कम में डाल दी हूँ यहाँ पर हल्दी पाउडर, जिससे क्या होगा कि बाफले का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इन सब मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब जो मलाई वाला मावा था, तो इसको भी मैं आटे में मिला दूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि आटे में हमने कोई मोइन नहीं डाला, ना तो घी डाला ना तेल डाला, इसी से हमारा मोइन लग जाएगा। मैं देखिए अभी आपको मुट्ठी बांध के दिखाऊंगी, बिल्कुल परफेक्ट मोइन लगेगा और बाफले हमारे बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। ये देखिए अच्छे से मुट्ठी बन गई है, इसका मतलब हमारा मोइन लग चुका है। तो अब मैं यहाँ उसी दूध से जो हम मलाई फेंटते हैं तो उसमें से निकलता है ना, तो उसी दूध से मैं ये आटा लगाऊंगी। इससे हमारे बाफले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और आप चाहे तो बाफले की जगह इन सब से, इस दूध और मावे से बाटी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस बार आपके साथ बाफले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हर बार मैं इससे बाटी ही बनाती हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर बाटी की रेसिपी भी देख सकते हैं। आटे को अच्छे से हम गूँथ लेंगे, और आटे को ज़्यादा हमें कड़ा नहीं लगाना, इसे जिस तरह से हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा कड़ा रखना है, क्योंकि सॉफ्ट रहेगा आटा तो बाफले अच्छे नहीं बनेंगे। तो दूध मिला मिला के आटे को अच्छे से गूँथ के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए आटा मैंने अच्छे से गूँथ लिया है, और हमने इसमें मिलाई थी आधा कटोरी सूजी, तो सूजी को थोड़ा फूलने में टाइम लगेगा, तो इसे हम रेस्ट के लिए रखेंगे थोड़ी देर। और ये आटा हमें ज़्यादा न तो टाइट लगाना है न ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा कड़ा लगाना है, जिससे क्या होगा कि बाटी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो हम आटे को रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। और एक बड़ी सी भगोनी में मैंने चढ़ा दिया है पानी, और मैं यहाँ पर कढ़ी बनाऊँगी, तो कढ़ी का भी मैंने घोल तैयार कर लिया है। अब आटे को, बाफले के आटे को अच्छे से मैं मसल मसल के अच्छे से सॉफ्ट कर लूँगी, क्योंकि इसमें मिलाई थी मैंने सूजी, तो पानी डाल के इससे अच्छे से मुझे फिर से गूँथना है, क्योंकि ये आटा टाइट हो चुका है, क्योंकि ये मल्टीग्रेन आटा है, तो इसमें सभी चीज़ें मिली हुई, बहुत सारे अनाज, तो ये टाइट हो जाता है। तो आटे को मैंने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है और पानी भी हमारा उबल रहा है, तो यहाँ पर हमें बाफले बना के तैयार करने हैं। तो मैं बड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़ के तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बाटी तो बनती है छोटी और बाफले बनते हैं बड़े, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बाफले नहीं बनाऊँगी, जिस तरह से हलवाई बनाते हैं उससे थोड़े छोटे बाफले बनाऊँगी। और आप अपनी इच्छानुसार बाफले का कोई भी शेप रख सकते हैं, छोटा या बड़ा, लेकिन मैं मीडियम शेप रखूँगी। और बाफले को थोड़ा सा चपटा रखना है, ये देखिए बिल्कुल गोल नहीं करना, ये पानी में जाके अपने आप फूल जाएंगे, थोड़े से फूल जाएंगे, जब भी इनको अपन गर्म पानी में डालेंगे ना तो ये उबलेंगे तो
फूल के अच्छे से मोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको दो तीन बाफले बना के दिखाए, तो इसी तरह हम अच्छे से गोल गोल और चपटे चपटे सारे बाफले बना के तैयार कर लेंगे। पानी भी उबल चुका है तो सभी बाफले को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सभी बाफलों को बना के तैयार कर लिया है। अब इन बाफलों को हमें डालना है बिल्कुल उबलते हुए पानी में, ठंडे पानी में, मतलब गर्म पानी में नहीं डालना, पानी बिल्कुल खोलता हुआ उबलता हुआ होना चाहिए, वरना क्या है बाफले सॉफ्ट नहीं बनेंगे और फूलेंगे नहीं। तो मैं एक एक करके सभी बाफलों को डालती जा रही हूँ और इन्हें मैं चला रही हूँ बेलन से, हमें मतलब करछी से नहीं चलाना है या चम्मच से नहीं चलाना है, वरना क्या होगा कि बाफले टूट जाएंगे। तो मैंने इन्हें बेलन से चलाया था। अब ये देखिए बाफलों को 10 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए, ये फूलने लगे हैं। तो मैं एक बाफला आपको दिखाती हूँ, इन्हें 15 मिनट तक उबालना है। तो मैं इन्हें एक बार चेक कर रही हूँ कहीं बाफले चिपक ना जाए, एक बार बीच में चलाना होता है, वरना क्या होता है कि बाफले नीचे पेंदे में चिपक जाते हैं। ये भगोना थोड़ा बर्तन मेरा छोटा पड़ रहा था इसलिए ये ऊपर तक आ गए, इन्हें बड़े बर्तन में उबालो तो ठीक रहेगा। अब मैं फिर से 5 मिनट के लिए ढक रही हूँ, जहाँ तक मैंने कढ़ी की तैयारी कर ली है। अब 5 मिनट हो चुके हैं तो हमारे बाफले उबल कर तैयार हो चुके हैं। मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी पानी में से। अच्छे से मतलब बाहर निकालेंगे तो इनका पानी हटा के निकालना है हमें, किसी जाली वाली चम्मच से निकालेंगे और थोड़ी देर इनका पानी सुखाना है, वरना क्या होगा जब इनको ओवन में डालेंगे तो ये चिपकेंगे। सभी बाफलों को मैं पानी में से बाहर निकाल लूँगी। अब जहाँ तक इन बाफलों का पानी सूखेगा वहाँ तक मैं कढ़ी छोक लूँगी, क्योंकि बाफले को हमें कढ़ी से खाना है और मैं यहाँ पर दाल भी बनाऊँगी। आप चाहे तो गट्टे की सब्ज़ी से भी खा सकते हैं, आलू की सब्ज़ी से भी खा सकते हैं, लेकिन बाफले दाल से और कढ़ी से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो कढ़ी हमारी बन चुकी है और ओवन भी गर्म हो चुका है, मैंने ओवन को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बाफले हमें डालने हैं ओवन में एक एक करके, और शुरू में जब हम बाफले डालेंगे तो गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, लो नहीं रखनी, मीडियम से थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है। सभी बाफलों को डाल दिया है मैंने ओवन में और इन्हें मैं ढक दूँगी। शुरू में इनको रखना है हमें 7-8 मिनट तक ढक के रखना है, इनको देखना नहीं है और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। तो मैं इन्हें ढक देती हूँ। अब मैं जहाँ तक ये बाफले होते हैं तो मैं कढ़ी चेक कर लेती हूँ, कढ़ी को चला लेती हूँ। कढ़ी हमारी बनने वाली है, उसके बाद मैं बनाऊँगी दाल। तो देखिए बाफलों को मैंने, ये देखिए पलट लूँगी अब इनको एक एक करके। बहुत गर्म है तो इन्हें आप चिमटे से भी पलट सकते हो, लेकिन मैं हाथ से ही इनको अलट पलट कर रही हूँ। जिस साइड से ये सिके नहीं उस साइड में रख दूँगी, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, इनको पलट सकते हैं। अब फिर से मैं इन्हें 5 मिनट के लिए ढक दूँगी। यहाँ पर हमारी कढ़ी भी तैयार हो चुकी है, तो मैंने डाल दिया है सूखा धनिया, क्योंकि मेरे पास हरा धनिया नहीं था। तो देखिए मैंने फिर से बाफलों को ढक्कन हटा दिया है, इनको फिर से मैं पलट रही हूँ। तो इन्हें इसी तरह 5-5 मिनट में पलटते जाना है, और इन बाफलों को सिकने में लगभग 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि इनको हमने पानी में उबाल लिया है तो कच्चे तो ये रहेंगे नहीं, ज़्यादा देर नहीं लगती। जिस तरह से बाटी को सिकने में टाइम लगता है, उतना टाइम बाफलों को सिकने में नहीं लगता है।
बाफलों को मैंने पलट दिया है, तो मैं इन्हें फिर से ढक दूंगी। और यहाँ पर चढ़ा दी है मैंने दाल। दाल पर सीटी लगती है, मतलब कुकर में सीटी लगती है जहाँ तक मैं बाफले को एक बार फिर से पलट देती हूँ। कुकर में सीटी आ चुकी है और हमारे बाफले भी सिक चुके हैं। ये देखिए अच्छे से अच्छा सा कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन, तो इसका मतलब है बाफले सिक चुके हैं और इनके मुंह नहीं फटेंगे, मतलब इनमें क्रेक नहीं आएंगे जिस तरह से बाटी में क्रेक आते हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए इनको फिर से ढक के फिर से पलट रही हूँ। फिर से मैंने 1 मिनट के लिए ढक दिया है। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ दाल, दाल में तड़का लगा रही हूँ। दाल हमारी तैयार हो गई है, तो अब मैं बाफले को बाहर निकाल लूँगी क्योंकि बाफले के लगाना है हमें घी। इनको जो एक दो बाफले रह गए हैं उनको मैं पलट दूँगी। ये देखिए बाफला अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है और अंदर से बहुत सॉफ्ट बना है, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ एक थाली में। बाफले बहुत गर्म हैं तो इन्हें बहुत ध्यान से निकालना होता है। अब बाफले के लगाना है हमें घी। ये देखें तोड़ दें कितना अंदर से सॉफ्ट है, बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। और ये देखें कितने खिले खिले बाफले बने हैं, मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। और इनको एक एक करके घी में डिप कर करके निकाल लेती हूँ। और बाफले खाने का मज़ा तभी आता है जब बाफले में अच्छी तरह से घी लगा हो, और इनको अच्छे से घी में डुबो डुबो के निकालते हैं हम, तभी बाफलों में अच्छी तरह से घी लगता है। तो इसी तरह से हम सभी बाफलों में घी लगाएंगे। आप चाहे तो कम घी भी लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बाफलों में घी नहीं लगता बहुत सारा, वहाँ तक बाफले खाने का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, अंदर से बहुत ही खिले खिले और सॉफ्ट बने हैं, और बाहर से इनकी जो ये पपड़ी है बहुत ही क्रिस्पी बनी है, हल्की हल्की से क्रिस्पी बनी है, और कलर भी बहुत अच्छा आया है और सबको बहुत ही पसंद आए। और ये राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है, तो आप भी बाफले ज़रूर बना के देखिएगा मेरे इस तरीके से जब भी मलाई से घी बनाएं। तो हमने इसमें ऑयल का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। तो यदि आपको मेरी ये बाफले की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने बाफले बनाए या नहीं बने, और आपके बाफले कैसे बने, और आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो ये देखिए मैं एक बाफला आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बाफले बन के तैयार हुए हैं। तो आप इन्हें कढ़ी से खा सकते हैं, दाल से खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने मिक्स दाल बनाई थी और कढ़ी बनाई थी, जो बाफले सबको बहुत ही पसंद आए।